क्या बोलिए, पहचान का ये हो रहा है ना, 100 रुपया देंगे। चार चार मीठे का यहाँ पर चैलेंज लगा हुआ था लेकिन हार गए हैं राजकुमार जी। सभी को प्यार भरा नमस्कार, मैं हूँ देवाशीष नायक और मेरे चैनल देवाशीष नायक ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और थोड़ा सा आज लेट हो गया और हम लोग अभी नहाने आए हुए हैं रामगढ़ के ये पुलिया के नीचे वाले जगह में। और रामगढ़ यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर या फिर 2 से ज़्यादा हो सकता है, 2 से 3 किलोमीटर लगभग है खरसुआ, जहाँ पर हम लोग माँ काली मंदिर प्रांगण में हैं। और ये बहुत ही सुंदर जगह है और ये खरसुआ पंचायत के अंतर्गत ही ये गाँव आती है रामगढ़। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर दृश्य है और ये सोना नाला के नाम से प्रसिद्ध है, ये जो नदी बह रही है सोना नाला के नाम से प्रसिद्ध है। और काफ़ी सुंदर यहाँ पर पानी भी है, बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा पानी है क्योंकि ये नदी पहाड़ों से निकल कर आ रही है, इस वजह से बहुत साफ़ सुथरा वाली पानी है। तो फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम हैं, गणेश भैया हैं, उधर राजकुमार जी हैं और बानेश्वर जी, चारों हम लोग आए हुए हैं नहाने के लिए, स्नान दान करने के लिए। क्योंकि हर अभी जैसे कि भागवत कथा का कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है, इस कार्यक्रम में प्रतिदिन 10 बजे पूजा हो रही है। कल जैसे वेदी पूजन थी, आज भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम रहेगा, उसके उपरांत 5 से 8 बजे तक कथा, दीदी का कथा चल रहा है। तो इस वजह से हम लोग अभी नहाने आए हैं, नहाने के पश्चात हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, इधर पुलिया है, पुलिया के जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पर नहाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत अच्छा पानी है। और अभी 11:45 हो रहा है और अभी हम लोग जाने वाले हैं थोड़ा सा आकर्षणीय गेस्ट हाउस दीदी से मिलने के लिए। और मैं और अभिषेक अभी निकल रहे हैं और बाइक में हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से आकर्षणी की दूरी लगभग 4 किलोमीटर होगी, हम लोग निकल पड़े हैं। और अभी हम लोग आकर्षणी गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं और दीदी ऊपर में है, ऊपर वाले रूम में, चलिए चलते हैं उधर। आकर्षणी गेस्ट हाउस में हम लोग पहुंच चुके हैं अभिषेक जी के साथ, हाँ। दीदी से मिलने के लिए। हाँ। अच्छा ठीक है। और बहुत ही सुंदर जगह है ये आकर्षणी गेस्ट हाउस। यहाँ से ऊपर अभी हम लोग चढ़ेंगे और ऊपर वाले रूम में है दीदी। और यहाँ से बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिलते हैं, बाहर का दृश्य बहुत ही अच्छा और सुंदर है। कितने बड़ा बोलते हैं, कितने बड़ा बोलते हैं, टाइम कितने बड़ा देखें खाते आ गया सो। और वीआईपी रूम, उस तरफ है दीदी का रूम वीआईपी, एक नंबर में और दो नंबर, दो जगह है। 6:06 हो रहे हैं और अभी हम लोग दीदी से मुलाकात करके निकल चुके हैं आकर्षणी गेस्ट हाउस से और अभिषेक जी ठीक है, ठीक है ना, ठीक 100 रुपया ना, 100 रुपया ठीक है, थोड़ा सा चलिए पकड़ रही है, दिखाते रहिए, दिखाते रहिए पैसा, तब आ जाएगा भाई। चलिए चलिए चलिए, हाँ तो चलिए ना, आइए देखिए बीच वाला ना, बीच वाला ना, आइए बीच वाला खोजिए, जल्दी देखिए जी, देख रहा ध्यान से इसको, जोर से पकड़े जी, हाँ पकड़े हैं, चाट्टा हो गया
और एक बार क्या चार मीठा आधा ही हो जाएगा या फिर चार से आठ मीठा हो जाएगा, क्या करना है बताइए? आधा ही करना है या आठ मीठा करना है? आप बताइए आप ही बताइए, हम नहीं बोलेंगे। क्या बोले पहचान का ये हो रहा है ना, 100 रुपया देंगे। चार मीठा का यहाँ पर चैलेंज लगा हुआ था लेकिन हार गए हैं राजकुमार जी और पीछे हट रहे हैं। 100 रुपया देंगे अंतिम बार, ठीक है? या तो चार आठ मीठा हो जाएगा, ठीक है? आठ मीठा हो जाएगा, चार मीठा आपका वेट है जो ऑलरेडी पहले से सेव है। अब क्या होगा, चार बढ़ जाएगा यदि आप आठ हो जाएगा। पकड़ेगा तो गलती किसका है, इसका है ना? तो फिर लेफ्ट हैंड के तो नहीं, दोनों हाथ पे कर रहे हो सब भैया। अरे तो खोजना आपको है ना, हमको नहीं खोजना है ना, आपको खोजना है। चलिए आठ मीठा का हो गया, आठ मीठा खिलाना है। आठ मीठा का घटाना है या खेलना है बताइए? खेलते रहिए, अगर घट गया तो आधा हो जाएगा। तो कहाँ कौन सा होटल में खाना कहाँ खिलाइएगा बता दीजिए। लाइव चल रहा है हम अभी गेम खेल रहा है, वो बीच वाला उंगली को पकड़ेगा, अगर पिकअप पकड़ लेता है। बीच वाला उंगली पकड़ना है राइट हैंड का ना, हाथ के अंगूठे को क्या करेंगे मोड़ के रखिएगा। हो गया चार को हुआ ना, बराबर चार जाने तो चार जाना था, चार ज्यादा खिलाएगा बोला कि हम तो लोग खेलना होगा ना, सबके साथ खाना है, आज इसका हो गया कल उसके। आपका अभी नहीं सके कोई तो पूछ रहे हैं ना, कोई नहीं सके तो ये भी हारे होते हैं। जीतेगा क्या आपको क्या लगता है, जीतेगा क्या? देखते हैं रिकॉर्डिंग में डालिए, हारेगा रिकॉर्डिंग चल रहा है। अच्छा अच्छा ये पांच तो दिख ही नहीं रहा है। एक दलों के बीच इसमें दो प्रतिभागी हैं, एक प्रतिभागी है आपका प्रभा जी, श्रीमद भागवत कथा के सर संघचालक सचिव, ये अपने हाथ के बीच वाले अंगुली को पकड़े हुए वाले। चार को हो गया और चार को और नहीं खेलेंगे ना भाई, वैसे थोड़े हो गया, वैसे नहीं होगा। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभिषेक जी भी पूरा फुल टू रेडी हो चुके हैं और इधर बानेश्वर जी एकदम लगाते हुए लिप बॉम्ब और इधर गणेश जी भी तैयार होते हुए, संगीतकार आ चुके हैं और दीदी का आगमन भी होने वाला है थोड़ा देरी के अंतराल के उपरांत। तो अभी तो हम लोग फिलहाल यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के बाद उधर जाएंगे दीदी आने के पश्चात। क्या हाल मस्त है ये और हैंडसम भी लग रहा है काफ़ी, ये जो उनका ये है ना बास्केट है क्या? नहीं वैसे दिख रहा नहीं, ये वाला टाइप का दिख रहा है। हाँ तो है ही, वही है ना इसीलिए दिख रहा है, अलग से नहीं है लेकिन जॉइंट है इसमें, लेकिन अच्छा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, लुक अच्छा लग रहा है, लुक अच्छा ब्लेजर के। प्रभात जी कैसे दिख रहे हैं तो देखना है उधर जाके, आज भी लुंगी उनको एक्चुअली में ना धोती और ये पहनना चाहिए। सही में सही बात बोल रहा है, कुर्ता में उतना मजा नहीं, ये पैंट में उतना मजा नहीं लेकिन कुर्ता पहनना चाहिए। और अभी 11:19 हो रहे हैं और आज की सॉरी कल की वीडियो थी, कल की वीडियो अभी मैं एडिटिंग कंप्लीट कर चुका हूँ और मुझे कल समय नहीं मिला इस वजह से मैं अपलोड कर नहीं पाया था और मैं अभी एडिट करके इसे अपलोड में डाल दूँगा।
और कल के ब्लॉग को यही एंड करते हैं। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।